सो इफ दैट इज द रीजन दैन दीज आर द कोऑर्डिनेट यू कैन पॉज अडियो एंड गिव ट्राई मैं तो सोल्व करूंगा ठीक है थीके? तो अब अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को मैं रजूम करता हूँ आपने इसको ट्राई कर लिया होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम तो फिलहाल मैं इंटरेस्टेड हूँ केवल एक टर्म निकालने में दैट इज इंटीग्रेल ऑफ एक्स डीएम तो एक्स डी एम जो इंटीगरल है वो इवेल्युएट करने में, में मेरा फिलहाल इंटरेस्ट है सो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम जो है दैट इज इक्वल टू ऑट तो डीएम निकालना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है और जरूरी है मतलब कंसेप्चुअल है कैसे देखो अपन क्या अपन ने क्या किया अपन अपन ने क्या किया अपन किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए राइट तो ये मैंने बोला अपना जो सर्कुलर ये जो है रीजन इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट टू और ये जो सर्कल है इस सर्कल का जो सेंटर है इसको मैंने बोला सी सेंटर से पहले तक किसी भी डिस्टेंस एक्स पे गया क्योंकि ये वाली मेरी एक्स एक्सेस है एक्स पे गया और अंदर की तरफ मैं किसी भी डिस्टेंस वाई पे गया और ऊपर की तरफ किसी भी डिस्टेंस जेड पे गया और मैंने एक क्यूबॉयड कंसिडर किया इस क्यूबॉयड की जो वॉल्यूम होगी मतलब इसकी जो डी होगी वो कितना होगा इसका डी सो डी वी ऑफ दिस क्यूबॉय डी एक्स डी वाई एंड डी जेड नाउ द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डी वाई एंड डी जेड इज द वैल्यू ऑफ डी एम दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स अब इसको इंटीग्रेट करने में ही है सारा जादू ठीक है उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं अपन वो देखते हैं सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनिएगा ये ये जो आपको सिलेंडर, ये जो आपको आपको सिलेंडर दिख रहा है ऐसे सारे के सारे बहुत सारे इन्फाइन क्यूवर्ड्स है सिलेंडर सेगमेंट में अपन सारे के सारे क्यूवर्ड्स को एड करना चाहते हैं तो ऐड अपन को एक्स के रेस्पेक्ट में भी करना है वाई के रेस्पेक्ट में भी करना है और जेड के रेस्पेक्ट में भी करना है अब आप इमेजिन करिए कि अपन ने क्या किया अपन ने ये जो क्यूवर्ड आपको दिख रहा है ठीक है सबसे पहले मैंने बोला कि मैं जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा मैं जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मेरे को एक लाइन मिल मिल जाएगी कि मिल जाएगी स्ट्रिप एक मुझे वर्टिकल स्ट्रिप मिल जाएगी इस तरह से राइट right. तो ये जो है ये मुझे एक वर्टिकल स्ट्रिप मिल जाएगी अब मुझे वर्टिकल स्ट्रिप मिल चुकी चुकी है और डीजेड अपनी पिक्चर से बाहर हो चुका है ठीक है तो दिस इज पार्शियल इंटीग्रेशन अपन जो करते हैं डीजेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स और वाई कांस्टेंट रहेगा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई और जेड कांस्टेंट रहेगा सिमिलरली तो डीजेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो एक स्ट्रिप मिली अपने को वर्टिकल स्ट्रिप पिक्चर से बाहर हो अब के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे अपन ठीक है डी के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करेंगे अपन और अपने को एक इस तरह का रीजन मिल जाएगा ठीक है तो ये एक प्लेट जिसकी थिकनेस कुछ होगी ये अपन को मिल जाएगी है ना इस तरह से मिल जाएगा और इन सारी प्लेट्स को इन सारी प्लेट्स की जो हाइट होगी वो अलग अलग होगी और इन सारी प्लेट्स को अपन जब ऐड करेंगे तो अपने को टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा तो बेसिकली आप वॉल्यूम वाले तरीके से भी समझ सकते हैं अब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आपको और क्लियर हो ही जाएगा तो ठीक है फटाफट सॉल्व करते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम को राइट right? सो so देखो रो इज द डेंसिटी ठीक है ये मास डेंसिटी है सबसे पहले मैंने बोला था मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा जेड के रेस्पेक्ट में तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी जेड इसको थोड़ा और इधर लिखें ठीक है यहीं लिख देते हैं सबसे पहले Z के फिर तीन इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स क्या क्या लगेगी तो जब मैंने ये वाला पोर्शन कंसिडर किया है किसी भी एक्स पे जाके तो लिमिट मेरे को यहां से स्टार्ट होना है और यहां तक जाना है तो अगर ये चीज एक्स है और ये वाला एंगल थीटा है तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी एक्स टैन थीटा ठीक है तो जीरो से लेके एक्स टैन थीटा तक मुझे इंटीग्रेट करना है इसको सबसे पहले उसके बाद में क्या उसके बाद में वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो कुछ वाई की लिमिट्स होगी और कुछ जेड की लिमिट्स होगी जेड की लिमिट्स लिमिट्स कहा से की की होगी फिर लिमिट होगी की लिमिट्स जीरो से लेकर टू आर तक टू टाइम्स स्मॉल आर क्योंकि इसका जो सर्कल का डायमीटर है वो कितना है टू टाइम्स स्मॉल आर है अब ये चीज अपन को निकालनी है तो इसको ऊपर लिखते हैं अपन राइट सो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम इज इक्वल टू तो सबसे लास्ट में अपन को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और सेकेंड लास्टली अपने को वाई के रेस्पेक्ट में करना है वाई की लिमिट्स अपन को देखनी है तो देखो वाई की लिमिट्स मैं आपको दिखाता हूँ मतलब वाई की लिमिट मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ये डिस्टेंस मुझे चाहिए ठीक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है एक्स और ये डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर अब देखो ये जो ग्रीन डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये जो ग्रीन डिस्टेंस है ये ये ग्रीन डिस्टेंस कितना है दिस ग्रीन डिस्टेंस इज आर माइनस एक्स और ये बन गया एक राइट right ट्राइंगल तो ये जो राइट right ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें ये ग्रीन डिस्टेंस आर माइनस एक्स से ये चीज आ रहा है तो ये चीज अपने को निकालनी है ठीक है है ना क्लियर अब तो ये राइट right, ट्राइंगल right है ये चीज अपन को निकालनी है तो ये चीज कितनी होगी दिस थिंग इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ वॉट का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर राइट दैट इज आर माइनस एक्स का स्क्वायर अब अंदर अपना पॉजिटिव आया था तो बाहर अपना नेगेटिव आया था तो लिमिट्स अपने को माइनस से लेके प्लस तक की लगानी पड़ेगी है ना तो नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर पॉजिटिव ऑफ दिस ठीक है पॉजिटिव ऑफ द सेम नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का स्क्वायर अब अपन dz के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करें अगर तो अपने पास में आएगा रो इन टू जेड डी जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है जेड होता है जेड में लिमिट्स लगाएंगे जीरो से एक्स tan थीटा तक की तो क्या अपने को मिल जाएगा एक्स tan थीटा वेरी सिंपल अब बचता है अपने पास डी वाई एंड डी एक्स

तो इस एक्स को अपन भूल गए यहाँ पे नहीं लिखा अपन ने तो एक एक्स यहां पे था राइट तो उस हिसाब से अपन जेड का जब इंटीग्रल करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं बिकॉज एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड अपन जब इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे एक एक्स लिखना भूल गया हूं मैं <coughs> तो ये एक्स मैंने लिख दिया तो एक एक्स यहां पे लिख देते हैं अब इन दोनों का डिफरेंस लो तो कितना आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ द सेम नंबर तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिस इज मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स और एक्स की लिमिट अपन लगाए चुके हैं तो है। अब देखो इसमें से अपन कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते तो है, तो हैं अंदर तो अपने पास बचता है आर स्क्वाइनस आर माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ बचता है डी एक्स और, और इसको अपन को इंटीग्रेट करना लिमिट जीरो से लेकर टू आर तक है आपको दिख रहा होगा अब देखो इसमें अपन को इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए अपन आर माइनस एक्स को क्या डाल देंगे आर साइन फाइव ठीक है दोनों तरफ दोनों तरफ डिफरेंशियट करोगे तो माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाइव डी फाइव ठीक है डीएक्स को उठा के यहां डालो तो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम जो होगा देखो अब टू रो टैन थीटा कॉन्स्टेंट है तो इसको भी मैं हटाता हूं तो अपन को तो बस ये इंटीग्रल अब सॉल्व करना है तो मेरी सारी नजरें अब इस स्क्वायर बॉक्स पे है

स्क्वायर इस चीज को भी एडजस्ट कर चुके अपन इस नंबर को भी एडजस्ट कर चुके हैं बचा dx तो मैंने लिखा नेगेटिव ऑफ आर कॉस phi इन टू और इससे अपन को इंटीग्रेट करना है, आप, है तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी तो देखो डीएक्स में यहां पे एक्स को डालो phi तो कितना x को डालो आप 2r तो ये बचेगा -r r से r कैंसिल होगा sin phi इक्वल टू माइनस वन फाइव इक्वल टू अब एक काम और करना पड़ेगा अपने को उसके बाद में क्या अपन यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो क्या अपनी लिमिट्स चेंज हो जाएगी ठीक है बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है इंटीरियर वाली अब देखो यहाँ पे क्या है आर दिस आर दिस आर और एक आर स्क्वायर टोटल आर की पावर फोर अपने पास में बाहर जा चुका है आर की पावर फोर बाहर जाने के बाद बाद में अंदर बचता है कॉस स्क्वायर फाइव इंटू वन माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर इंटू डी फाइव ठीक है ये चीज़ है माइनस फाइव बाई टू से लेके पाई बाय टू और ये इंटीग्रल आप सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है फाइव पाए बाय एट मैं सोल्व करके बताऊंगा चिंता मत करो तो दिस इज फाइव पाए बाय एट इतना क्लियर है आपको तो इसको सोल्व करते हैं हम देखो इसको सोल्व करेंगे तो आर की पावर फोर को भी अब मैं भूल जाता हूँ ठीक है तो मैं सिर्फ इस इंटीग्रल को सोल्व करने वाला हूँ तो वन माइनस साइन फाइव का जो होल स्क्र इसको मैं ओपन करने वाला हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी वन तो वन को कॉ स्क्वायर फाइव से मल्टीप्लाई करो तो कॉ स्क्वायर फाइव प्लस कॉ स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव एंड माइनस टू साइन फाइव इन टू कॉस स्क्वायर फाइव और बाहर था डी फाइव और अपनी लिमिट्स थी माइनस फाइव बाय टू से लेके पाई बाय टू तक सो दिस इज द इंटीग्रल जो भी अपन फिलहाल इवेल्यूएट कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर फाइव को क्या लिख सकते हैं अपन वन प्लस तो इस नंबर को मैंने लिखा वन प्लस कॉस टू फाइव डिवाइडेड बाई टू ठीक है और डी फाइव और मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको माइनस फाइव बाई टू से टू प्लस कॉस स्क् साइन स्क्वायर फाइव ऊपर नीचे फोर से डिवाइड किया तो नीचे बचा फोर और ऊपर फोर से मल्टीप्लाई किया जब मैंने तो फोर कॉ स्क्वायर फाइव साइन इज इक्वल टू साइन टू फाइव का होल स्क्वायर, साइन टू फाइव का होल स्क्वायर माइनस अब यहाँ पे देखो टू साइन फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इसको ऐसे कैसे देते हैं तो टू साइन फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव ठीक है ये इंटीग्रल अलग है ये इंटीग्रल अलग है ठीक यहां तक अपन है अब देखो ये जो है ना इसमें लिमिट्स कितनी है माइनस फाइव बाई टू से लेके π बाई टू तक और ये है एक ऑड फंक्शन तो ये जो इंटीग्रल होगा इसका वो इंटीग्रल कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि आ, वो प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की अपनी इंटीग्रल एफेक्ट डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए इज इक्वल टू

डिवाइडेड बाय टू तो टू फोर ज हो गया एट इसका इंटीग्रल था माइनस फाइव बाई टू से लेके फाइव बाई टू तक और इसका भी इंटीग्रल कितना था वन बाय टू प्लस कॉस टू फाइव बाय टू फ्रॉम माइनस फाइव बाय टू से लेके फाइव बाय टू अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी डी फाई तो है ही बाय डिफॉल्ट तो ये भी डी फाई है अपने पास अब वन बाय एट जो है उसका इंटीग्रल मतलब अब देखो फोर फाइव कॉस फोर फाव और कॉस टू फाइव का जो इंटीग्रल होगा वो साइन में आएगा ठीक है तो इसका इंटीग्रल होगा साइन टू फाइव और इसका इंटीरियर होगा साइन फोर फाइव अपॉन फोर और अपॉन टू अपॉन से मतलब नहीं क्योंकि जो साइन टू फाइव है उसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है टू फाइव तो टू टाइम्स फाइव बाई टू करोगे तो कितना बचेगा साइन पाए विच जीरो टू टाइम्स माइनस फाइव बाई टू करोगे तो कितना आएगा साइन ऑफ माइनस पाए विच इज जीरो सिमिलरली यहाँ पे फोर है तो, तो साइन टू तो हाँ तो बनेगा विच इज ऑल्सो जीरो तो ये दोनों टर्म्स भी जीरो होती है तो बचता है सिर्फ वन बाई एट प्लस वन बाई टू सो वन बाई एट प्लस वन टू होता है एट का लो टू से डिवाइड करो फोर प्लस वन इज फाइव तो बिकम्स फाइव बाई एट एंड फाइव बाई एट मल्टीप्लाइड पाए मैंने यहाँ पे लिखा था फाइव बाईट पाए तो ये इंटीरियल अपने पास तो so, फाइनली जो एक्स डी एम का इंटीरियल होगा सो द इंटीगरियल एक्स डी एम दैट इज इक्वल टू तो कॉन्स्टेंट टर्म्स अपने आ रही थी टू रो टैंथ और एक आर की पावर फोर को अपन ने यहाँ ड्रॉप कर दिया था तो इसको उठाओ एंड फाइनली फाइव पाई बाई एट तो टू से ये कैंसिल करो फोर सो दिस इज फाइव बाई फोर रो, थीटा, पावर, तो ये चीज़ क्या आ देखो बात करते हैं तो अपन अब जेड डीएम का इंटीग्रल निकालने वाले हैं मतलब मोटा मोटा मेन काम अपना हो गया तो बाकी इंटीरियर डीएम से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी वो दो सेकंड का काम है तो इंटीग्रल जेड डीएम जब अपन को निकालना है तो अपना सारा का सारा काम सेम रहेगा तो जीरो से टू आर तक इंटीग्रल्स यहाँ पे अपनी लिमिट सेम रहेगी वाई की जो मैंने लगाई थी और यहाँ पे लिमिट जीरो से लेके एक्स टैन थीटा तक ही रहेगी एक फर्क आएगा ये जो एक्स था इसकी जगह लिख देना आपने को जेड क्योंकि डी की वैल्यू रिमेन सेम सो रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड अब इसमें देखो आपको सबसे पहले डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है सो जेड डी जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है जेड स्क्वायर बाई टू लिमिट लगाओ जेड में जीरो सेक्सर टैन स्क्टा अपॉन टू राइट सो दैट इज स्क्वायर स्क्वायर थीटा अपॉन ये चीज आई तो तो क्या बचा था अपने पास में वो दैट इज आर स्क्वास आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर राइट अब फाइनली इस नंबर को अपन को इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में कहां से कहां तक कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके टू टाइम्स स्मॉल आर तक क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है टू टाइम्स स्मॉल आर है दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल अब देखो आप यहाँ पे इस टू से ये टू करो है ना और रो था वो अपन भूल गए ठीक है रो था और कुछ था क्या नहीं बस तो रो मल्टीप्लाइड बाई टीटा को बाहर लो तो रो मल्टीप्लाइड बाय टैंस थीटा को बाहर लो तो इंटीग्रल में बचता है जीरो से लेके टू आर वॉट

ठीक <coughs> है तो सेम सिलेंड्रिकल सेगमेंट एक और होगा उसको अपन जोड़ेंगे मतलब ये आधा है ऐसा आधा पार्ट और लाएंगे तो पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा और सिलेंडर का वॉल्यूम अपने को पता होता है दैट इज इज एरिया एरिया ऑफ ऑफ बेस बेस बाय हाइट हाइट सो सो नथिंग बट पाई स्क्वायर इनटू ये डीएम की वैल्यू नहीं है ठीक है दिस इज टू टाइम्स कैपिटल एम क्योंकि एक सिलेंड्रिकल सेगमेंट का मास कैपिटल एम है तो दूसरे का मास भी कितना होगा कैपिटल एम तो पूरे सिलेंडर का मास कितना हो चुका है टू एम और पूरे सिलेंडर का मास कितना होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय

अब अपन को बस डिवाइड करना है है ना तो इंटीग्रल जेड डी एम जो था उसमें अपने पास में क्या क्या था देखो इसको रो टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाइड भी तो मल्टीप्लाई भी तो करना है तो रो थीटा थीटा और एक चीज अपन और इवेलुएट कर चुके हैं वो ये तो देखो कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस नंबर को डिवाइड करो इस नंबर से तो रो से रो कैंसिल हुआ पाए से पाए कैंसिल हुआ आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हुआ टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हुआ तो बचता है सिर्फ अपने पास में फाइव बाय फोर इंटू आर

तो ख़त्म ही सवाल ठीक है तो काफ़ी एनर्जी लगती है यार ये सब सॉल्व करने में ठीक है तो देखिए आप भी इसको सॉल्व करना है कैसे कोई दिक्कत आती है तो बताओ मुझे ठीक है कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही कैसे इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है तो नाम का है ट्रिपल इंटीग्रेशन बाकी कुछ भी नहीं है इसमें थोड़ी बहुत मैथ्स लगती है और आपको ये चीज़ सोचनी है आप ऐड क्या क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए वॉट विच थिंग्स यू आर एडिंग सबसे पहले अपन ने एक बॉक्स लिया ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये बॉक्स इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है इस तरफ आया अपन तो मैंने देखो स्टार्टिंग से वैसे समझा एक्स ऐसे आया वाई अंदर गया और जेड ऊपर गया यही होता है अपना जनरल कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने जाके एक वहां पे क्यूबोर्ड लिया छोटा सा उसका वॉल्यूम कितना था डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड फिर अपन ने इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन कैसे किया सबसे पहले डी जेड के रिस्पेक्ट में किया तो अपने को एक वर्टिकल स्ट्रिप मिल गई इस मार्कर की तरह फिर अपन ने इस वर्टिकल स्ट्रिप को वाई डायरेक्शन में किया इंटीग्रेट तो अपने को एक प्लेट मिल गई सारी प्लेट्स को एक्स डायरेक्शन में इंटीग्रेट किया तो पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम मिल गया ठीक है उस तरह से चीजें होती है किसको कब कॉन्स्टेंट माना है वो मैं एक एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको ये इंटीग्रल जो है उसको अपन ने कैसे कैसेट किया था आर माइनस एक्स की वैल्यू डाली थी अपन ने आर साइन फाइव सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट आगे बहुत भी खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम्स आएगी ठीक है तो इसमें तो मैथ्स ज़्यादा थी फिज़िक्स थोड़ी सी कम थी आगे आने वाले क्वेश्चन में फिजिक्स बहुत जबरदस्त होने वाली है सो गेट रेडी सो आपको उसके लिए रेडी हो जाना चाहिए बहुत अच्छी फिजिक्स आने वाली है अपने कोर्स में तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो तो कुछ भी नहीं था आने वाले लेक्चर्स में बहुत धमाकेदार कंटेंट आने वाला है सो आई होप यू आर एन्जॉइंग दीज लेक्चर सो डोंट फोगेट टू टू रीड दिस कोर्स ऑन यू डे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर आई सी यू द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन हैव वंडू फुल डी एंड थैंक यू